हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आवर ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी। आज मैं आप लोग के लिए एक उड़ीसा स्टाइल रेसिपी लेके आया हूँ, तो वही मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमको चाहिए पहले 2 ग्रेटेड कोकोनट, कुछ शुगर, और उसको स्टफिंग बनाने के लिए वो चाहिए होगा हमको, और 1/2 kg सूजी, और फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। बस ये, और कुछ वाटर चाहिए होगा हमको। ये यहाँ पे देखिए गाइस, ये है कोकोनट जो है उसको मैंने ऐसे तोड़ के 1/2 साइज में कर लिया हूँ। इसको मैं अभी ग्रेट करूँगी, ठीक है, नारियल को, क्योंकि हमें ग्रेटेड नारियल चाहिए, तो इसको मैं अभी ग्रेट करूँगी। उसके बाद हम रेसिपी की तरफ जाएंगे, ठीक है गाइस। रहा हमारा ग्रेटेड कोकोनट जो है, ये 2 ग्रेटेड कोकोनट है, और ये रही हमारी सूजी और सेमोलिना, ठीक है गाइस। ये 1/2 kg का पैकेट है, और ये वाली डब्बे में है चीनी, और ये छोटा सा टुकड़ा जो अदरक है ये हमें चाहिए इसमें डाल के स्टफिंग बनाने के लिए। अदरक के साथ साथ ये 2 छोटी इलायची, और ये जो होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, खड़क मसाले में बोलती हूँ, तो ये एक मामा, हाँ पापी, अदरक के साथ इसको कूट के हम वो मामा स्टफिंग में डालेंगे। मामा, पहले हम बनाएंगे स्टफिंग। इसके लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं उसमें डाल रहा हूँ गुड़, क्योंकि मैंने आपको बताया था गाइस चीनी चाहिए होगा। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो और गुड़ भी डाल सकते हो, और मेरी मम्मी ने बोला कि गुड़ डालने से टेस्ट जो है वो अच्छा रहेगा, और गुड़ भी चीनी की कंपैरिजन से अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे गुड़ चूज किया हूँ, ठीक है गाइस। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद गुड़ डाल दिया। गुड़ जो है वो अच्छे से कैरमलाइज होगा, उसके बाद हम उसमें डालेंगे वो ग्रेटेड कोकोनट, ठीक है गाइस। ये इसका जो तरीका जो है ये देखिए, गुड़ जो है अच्छे से कैरमलाइज हो गया है। अभी इस स्टेज पे हम वो जो ग्रेटेड कोकोनट है इस स्टेज में डाल देंगे, ठीक है गाइस। इसमें मैंने अदरक और जो छोटी इलायची और जो खड़े मसाले जो होते ना, वो मैंने इसमें वो भी उसमें डाल देंगे, जो हम लोग अदरक और वो गरम मसाला जो है इलायची वगैरह, वो भी नारियल के साथ साथ वो भी हम लोग डाल देंगे, और
गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। ये वाली कटोरी में मैं मेजर करके एक कप सूजी में दो कप पानी, ठीक है गाइस, आप जो भी कप हो या फिर ग्लास हो जिसमें आप सूजी लोगे उससे दुगुना, मतलब आप एक कप अगर पानी लेते हो, सूजी लेते हो तो दो कप पानी चाहिए होगा आपको, ठीक है। ये देखिए गाइस, मैं इस वाली कटोरी में एक ये रही हमारी एक कटोरी सूजी। अभी हम लोग डो बनाएंगे। पानी में बस थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। बस पानी में सूजी को धीरे धीरे डाल के इसको अच्छे से एक डो बना लिया है हमने यहाँ पे। ये आप देख सकते हो मेरी मम्मी जो है कढ़ाई से डो निकाल के यहाँ पे वो उसको राउंड राउंड शेप दे के उसके अंदर स्टफिंग भरा जाएगा, वही मेरी मम्मी बना रही है। और साइड में रोहित देखिए क्या कर रही है, बदमाशी कर रही है। ओ बनाएंगे पहले उसको अच्छे से हाथ से मसल के, वो डो को अच्छे से मसल के पानी के हेल्प से अच्छे से सॉफ्ट करके उसको अच्छे से राउंड राउंड शेप से बन उसके अंदर स्टफिंग भरेंगे और राउंड राउंड शेप करके उसको बना लेंगे। पहले हम सारे बना लेंगे उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ, ठीक है गाइस। चलिए पहले बना लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा सारा वो जो राउंड राउंड शेप का जो ये है वो बन के रेडी हो गया है। ये वाला जो है ये लास्ट वाला है। ये देखिए गाइस, मेरी मम्मी जो है वो कैसे उसको बना रही है। इसको हम लोग मंडा पिठा बोलते हैं उड़िया में। ये आप लोग सूजी में स्टफिंग देके कुछ डिश, आप जो डिश बोलना चाहते हो वो आप बोल सकते हो, लेकिन उड़िया में इसको हम लोग सूजी मंडा बोलते हैं, ठीक है गाइस। ये देखिए मेरी मम्मी कैसे बना रही है। मेरी मम्मी जो है थोड़ा बड़ा बड़ा कर रही है, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करती हूँ, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, रोहित यहाँ पे अभी मेरे साथ वो फ्राई करेंगे ना हम लोग, अभी वो कर रहा है। देखिए कैसे करछी चला रहा है कढ़ाई में। अभी कढ़ाई में ऑयल डाल के इसको हम लोग फ्राई कर रहे हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का ऑयल ले लिया हूँ ताकि
मैं एक साथ 7-8 फ्राई कर सकूं। ठीक है गाइस, नहीं तो फिर लेट हो जाएगी। मेरे को रोहित को डिनर खिलाना है अभी, रोहित अभी डिनर करेगा तो इसको मैं कंप्लीट करके फिर उसको जाके खिलाऊंगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी का ऑयल ले लिया हूँ ताकि मैं ज़्यादा ज़्यादा फ्राई कर सकूँ। आप ज़्यादा ऑयल लोगे तो अच्छे से फ्राई होगा। ठीक है गाइस, ये देखिए मेरा एक जो एक की बारी में जो किया था ये कंप्लीट हो गया है, और एक लास्ट एक बारी है ये भी कंप्लीट। मोरू ने 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 दो दो बेटा दो। गरम हो जी ये हमारा कंप्लीट हो गया है। रोहित उसको टच कर रहा है, हाथ में पकड़ रहा है लेकिन खाएगा नहीं, वो ऐसे देख के फिर रख देता है। गरम है ना अभी, वही वो बोल रहा है कि गरम है गरम है, उड़िया में वो बोलने लग गया है। क्योंकि हम लोग 3-4 महीने से गांव में है, घर पे है, तो वो उड़िया में बात करने लग गया है। ठीक है गाइस, यही था आज का ये छोटा सा रेसिपी। आप लोग को कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।